Hi everyone, great morning. My name is Shan Alam Khan, educator, motivation speaker and proud owner of Alam Tutorial. Friends, मैं आज आपके सामने साथ ऐसी क्वालिटी शेयर करने जा रहा हूँ जिसके लिए आपका टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है. आज आपके नॉलेज में जो भी सक्सेसफुल, कामयाब या अमीर इंसान होंगे, आप देखिएगा ये सात क्वालिटीज उनके अंदर पाई जाती है. सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा उन क्वालिटीज के लिए जिनके लिए आपका टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है. नंबर वन इज पैशन. जी हाँ, किसी भी काम को पैशनेटली करना या अपने पैशन को पहचानने के लिए आपका टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है. मेरे लिए पैशन का डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसा काम जिसके लिए मुझे पैसा नहीं मिले तो चलेगा, नींद नहीं मिले, खाना नहीं मिले, आराम नहीं मिले तो भी चलेगा, लेकिन वो काम करने में मुझे एक ऐसी खुशी मिले ना जो मुझे किसी और काम में ना मिले, उस काम को कहते हैं पैशन. सो पैशनेट होने के लिए आपका टैलेंटेड होना ज़रूरी नहीं है. सेकेंड थिंग इज बींग पंक्चुअल. टाइम पे होना, पंक्चुअलिटी, ये क्वालिटी आपके अंदर होने के लिए आपका टैलेंटेड होना ज़रूरी नहीं है. बड़े बड़े ऐसा कह के गए कि अगर आप वक्त की कदर करो तो वक्त आपकी कदर करेगा, और हमने ये भी सुना है कि मनी इज इक्वल टू टाइम. सो इफ़ यू आर वेस्टिंग टाइम, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग मनी. सो वक्त पे कहीं पहुंचने के लिए, टाइम पे होने के लिए, पंक्चुअल होने के लिए आपका टैलेंटेड होना ज़रूरी नहीं है. थर्ड थिंग इज बींग रिस्पॉन्सिबल. हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, हर चीज़ की जिम्मेदारी लेना, अपने सपनों की और अपने अपनों के सपनों की जिम्मेदारी उठाने के लिए आपका टैलेंटेड होना ज़रूरी नहीं है. फोर्थ थिंग इज हार्ड वर्क. मेहनत, कोई भी काम को मेहनत करने के लिए आपका टैलेंटेड होना ज़रूरी नहीं है. एक फोकस चाहिए, एक शिद्दत चाहिए, और वो भले पत्थर तोड़ने का काम हो या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह दिमाग लगाने वाला हार्डवर्क होने दो. दोनों ही काम में जो हार्डवर्क लगता है उसके लिए आपका टैलेंटेड होना ज़रूरी नहीं है. फिफ्थ थिंग इज डूइंग एक्स्ट्रा. कुछ ज़्यादा करना, आज के ज़माने में लोगों को ज़्यादा करना समझ में आता ही नहीं है. डूइंग एक्स्ट्रा, आज हम किसी से जो भी चीज़ चार्ज करते हैं किसी भी काम के लिए, हम उसको उतना तक नहीं डिलीवर करते हैं तो एक्स्ट्रा तो बहुत दूर की बात है. आज आप दुनिया के बड़े से बड़े सक्सेसफुल इंसान को जो आप जानते होंगे, वो आपसे जितना चार्ज करता है उससे डबल ट्रिपल आपको देने की कोशिश करता है. सो भले किसी को एक्स्ट्रा देना, वो आपकी सर्विस हो, वो आपका नॉलेज हो, वो आपका प्यार हो, वो आपकी रिस्पेक्ट हो, तो किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा देने के लिए आपका टैलेंटेड होना ज़रूरी नहीं है. सिक्स्थ क्वालिटी इज बीइंग इन लर्निंग मोड. सीखते रहना, जिंदगी भर सीखते रहना. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि ऑलवेज लर्न एंड देन रिमूव द एल. एल निकाल दोगे तो वो लर्न अर्न में कन्वर्ट हो जाएगा. इफ़ यू वॉन्ट टू अर्न मोर, यू हैव टू लर्न मोर. सो लर्न मोर करने के लिए या लर्निंग मोड में रहने के लिए आपका टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है. सेवन क्वालिटी, आपका शुक्रगुजार होना. डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना. अच्छी या बुरी जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आई है ऊपर वाले की तरफ से, उसके लिए शुक्रगुजार होइए. एक एग्जांपल, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप अपनी दो आँखें यूज़ कर रहे हो, उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए. मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हो, उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए. मेरी बातें आपके दिल को छू रही है और समझ में आ रही है, इतना समझदार होने के लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए. तो आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होने के लिए आपका टैलेंटेड होना कोई ज़रूरी नहीं है. सो फ्रेंड्स, ये वो सात क्वालिटीज़ थी जिसके लिए आपका टैलेंटेड होना ज़रूरी नहीं है. तो क्यों ना आज से, अभी से, इसी वक्त से आप और मैं इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करना शुरू करें. हैव अ ग्रेट डे, गुड डे, ग्रेट मॉर्निंग.